बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उमर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा। हमें जो है सामान चाहिए वो ये है। हमें चाहिए एक पाव घी, 3 मीडियम साइज के प्याज, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून नमक, 3 से 4 मोटी इलायची, आधा किलो बेसन, 3 लीटर पानी, 1.5 किलो दही फेटा हुआ, सब्ज मिर्चें कट लगी हुई, कसूरी मेथी, लौंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। अभी हम घी डालेंगे पतीले में। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अभी हम प्याज को भूनेंगे। हमारा प्याज भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें मिर्च मसाले डालेंगे। हम पानी में दही डालेंगे। अब हम बेसन डालेंगे और इसे अभी हम इसे मिक्स करेंगे। एक मिनट, अभी हमारा बेसन मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मिर्चे कुछ अदर डालेंगे, किया हुआ बेसन डालेंगे। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें किया हुआ बेसन डाल रहे हैं। अब हम इस पर ढक्कन रख रहे हैं और इसे पकने देंगे। हमारी कढ़ी पक रही है। अब हम पकौड़ों का मिक्सचर बनाएंगे। पकौड़ों के लिए हमें जो है सामान चाहिए वो ये है। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो घी, आधा किलो प्याज, आधा किलो आलू, टमाटर, सब्ज धनिया, मिर्च 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक, सूखा धनिया, जीरा, कसूरी मेथी, 1 पाव आधा किलो बेसन, 1 पाव पानी। पानी में हम दही मिक्स कर लेंगे। अब हम सब मसाले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही वाला पानी डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर रेडी है। हमने दही इसीलिए इसमें इस्तेमाल किया था क्योंकि इससे पकौड़े नरम बनते हैं। माशाल्लाह से हमारी कढ़ी रेडी हो रही है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। पकने के लिए 3 घंटे लगेंगे। हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह से हमारा घी पकौड़े बनाएंगे। अब हम इसको ऐसे डालते जाएंगे। इनकी साइड चेंज करेंगे और इनको सुनहरा होने तक पकने देंगे। कितना प्यारा कलर आ रहा है। माशाल्लाह से हमारे पकौड़े सुनहरी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे। निकालिए, अब हम और पकौड़े डालेंगे। देखें जो हमने पकौड़े बनाया उनका कितना प्यारा कलर आया है। पकौड़े बना लिए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। हमारी कढ़ी को
2 घंटे हो चुके हैं, अब हम देखते हैं हमारी कड़ी कहाँ तक पहुँची। माशाल्लाह से देखते हैं हमारी कड़ी गाढ़ी हो रही है और इसे 1 घंटा बाकी है, अभी हम इसे पकने देंगे। तीन घंटे हो चुके हैं, अभी हम कढ़ी को देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसका रंग है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं। देखें अभी हमने इतना टाइम लगाया, अंधेरा भी हो चुका है। आपने वो कहावत सुनी होगी जिसमें कहते हैं कि कड़ी कड़े और गुआंडन सड़े। आपने इसका मतलब है कि हमारे घर में या आपके घर में कड़ी पक रही है और पड़ोस वाले कहते हैं इतनी देर से पता नहीं क्या पक रहा है। अभी हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। अब हम इसमें पीसे हुए सब मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें सब धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। अभी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से पकी है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। हमारा कढ़ी पकौड़ा रेडी है, अब हम इसे टेस्ट करके आपको बताएंगे। आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चावलों के साथ भी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसे बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।